हेलो डिवाइन फेमिनाइंस, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर लेकर के। डीएफ की एनर्जी इस वक्त हो रखी है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल। पेनफुल मीन आप कह सकते हो बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं इस वक्त। थर्ड आई उनकी बिल्कुल क्लियर नहीं है इस वक्त। थर्ड आई पे स्पेशली वर्क करने की नीड है। ये कलेक्टिव एनर्जी वाले ट्विन फ्लेम्स के लिए भी और ये न्यू बिगनिंग वाले ट्विन फ्लेम्स के लिए भी। उनकी थर्ड आई क्लियर नहीं है, उसको हील करने की नीड है, उस पर वर्क करने की नीड है। अब वर्क कैसे होगा? प्रॉपर टाइमिंग दीजिए मेडिटेशन हीलिंग को, जो मैंने अभी कल वीडियोस डाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है। कुछ स्पेशल चक्रास या फिर थर्ड आई के लिए कोई स्पेशल मेडिटेशन नहीं है, बस ये चीज़ों को कंटिन्यू कर दीजिए। आप अगर चीज़ें इसी तरीके से ऑन ऑफ करके चीज़ें कर रहे हो, बस कभी करना शुरू कर देते हो, कभी स्टॉप कर देते हो, जो सिचुएशन आपने बना रखी है इसको थोड़ा सा वापस से स्टॉप हो करके देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो एनर्जी डीएमडीएफ की चल रही है, रीयूनियंस में जो हैं, रीयूनियंस के जो क्लोज हैं डीएमडीएफ, उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है अभी। क्योंकि स्टक इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे अब एक्शन का टाइम है। ठीक है, डीएम जो है वो एक्शन में आने वाले हैं। मीन अब वो डिसीज़न लेंगे अपनी डीएफ के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत टाइम से उन्होंने जो प्रायोरिटीज़ दी वो अपनी फैमिली को दी, फ्रेंड्स को दी, सबको प्रायोरिटीज़ दी, लाइक कार्मिक्स को प्रायोरिटीज़ दी, थर्ड पार्टी कनेक्शंस को प्रायोरिटीज़ दी यहाँ पे, की वजह से कहीं ना कहीं जो डीएफ एनर्जी है वो इंटरनली वो बहुत ज़्यादा, ये कह दीजिए, एक शांत वाली एनर्जी में आ गई और चीज़ें बस कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है, और अनकंडीशनली कंटिन्यू कर रही थी चीज़ों को, सब चीज़ कर रही थी, वो अपने कामों को कर रही थी, अपने हर चीज़ कर रही थी, अपने क्रिएटिव साइड पे भी ध्यान दे रही थी, मेडिटेशन भी कर रही थी, सब चीज़ कर रही थी। बट यहाँ जो चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल सही नहीं हो रही थी। ये चीज़ अब उन्हें समझ आ रहा है डीएम को कि कहीं ना कहीं डीएफ के साथ एक इनजस्टिस वाली चीज़ हुई है। ठीक है, जिसको वो अब देख पा रहे हैं ये चीज़ क्यों हुई और ये स्टक एनर्जी डिवाइनल क्यों बनाई गई है इस वक्त। ये जो स्टक एनर्जी चल रही है ये इस वक्त इसलिए भी चल रही है क्योंकि अभी एक तो श्राद्ध का समय चल रहा है, ठीक है, नवरात्रे आने वाले हैं और ये जो एनर्जी है नवरात्रों में बहुत बेस्ट रहने वाली है डीएफ एनर्जी। ठीक है, उस पर मैं पर्टिकुलर, मतलब हर डे की एक वीडियो पर्टिकुलर रखने वाली हूँ नवरात्रों में कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर उस चीज़ पे। साथ में एक चीज़, अभी जो स्टक एनर्जी चल रही है वो क्या कर रही है? स्टक एनर्जी ये कर रही है कि टाइम दे रही है डीएफ को अपने कामों को मैनेज करने के लिए, जो कि वो मैनेज नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि सारा ध्यान जो अब डीएफ का है वो अब तक जो डीएम पे रहता था, लेकिन अब किस पे है? डिवाइन पे है सरेंडर, और चीज़ों को वो कर रही हैं अब, अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर रही है, अपने सेल्फ के लिए भी कर रही हैं चीज़ें, हीलिंग भी कर रही हैं, डीएम की मेडिटेशन भी कर रही हैं, अपनी सब चीज़ कर रही हैं, अपनी हीलिंग भी कर रही हैं, लेकिन अब चीज़ों को कंटिन्यू कर रही हैं। कंटिन्यू मीन वो अपने फाइनेंशियल साइड पे भी काम करना चाहती हैं इंटरनली। अभी उनके अंदर ये इंट्यूशंस आ रहे हैं कि वो ये भी करें, वो भी करें, बहुत सारी चीज़ें करनी है उन्हें अभी, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उनके साथ। यही एक चीज़ और मैं जो देख सकती हूँ इस वक्त, मैं देख पा रही हूँ कि जो डीएम की एनर्जी है वो स्टक एनर्जी इसलिए भी डाली गई है जिससे कि वो अब ये समझ पाए कि सारी स्थिति को, कि वो जो कार्मिक्स थे जिनको प्रायोरिटी दे रहे थे वो उन्हें क्या दे रहे थे, वो उन्हें क्या सर्व कर रहे थे। और जो डीएम एनर्जी है वो ये भी देख रही है, ये जो ये डीएफ एनर्जी है वो उन्हें अनकंडीशनली चीज़ों को वापस से चीज़ें करे जा रही थी, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था उन्हें आगे से आगे, तो वो अब चीज़ें उन्हें समझ आ रही हैं कहीं ना कहीं, इसलिए स्टक एनर्जी लाई गई। स्टक एनर्जी फ्रेंड्स 7 तारीख तक रहने वाली है। ठीक है, 7 से 6, 5 तक तो कंटिन्यूसली कह सकते हो आप, और 6 और 7 से आप ये कह सकते हो ये इस एनर्जी का समापन होने वाला है। ठीक है, ये स्टक एनर्जी का, ये स्टक एनर्जी चल रही है अभी, जो भी कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो कि बैलेंस है। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस है, पर ये एनर्जी उनकी अब आई है। यहाँ उनके जो टेस्ट चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के टेस्ट चल रहे हैं उनके, वो चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे अब, क्योंकि अब जब कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन रीयूनियन के क्लोज जैसे जैसे चीज़ें जाती रहती हैं, यहाँ उनके टेस्ट बढ़ जाते हैं और यहाँ पे उनका सारा ध्यान उनके काम पे भी रहता है, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती हैं। लाइक वो कुछ भी चीज़ों पे अगर ध्यान भी लगा रहे हैं, अपनी स्टडी पे ध्यान लगा रहे तो वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान लगा रहे तो वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब
फैमिली के साथ चीज़ें करने की अच्छी कोशिश कर रहे, वो चीज़ें भी नहीं कर पा रहे। और डिवाइन मैस्कुलाइन साइड से अगर वो कहें तो वो बहुत पॉजिटिव है उस साइड से, डिवाइन फेमिनाइन उस तरफ से कोई शिकायत में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि अब तक बहुत सारी चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू चली हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उन्हें अब चेंज की इस वक्त रही भी नहीं है कि अभी कोई चेंज आए रिसेंट में। अभी उनका सारा ध्यान खुद की एनर्जी पर है, डिवाइन फेमिनाइन का, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ड्रेन भी हो रही है। अब यहाँ वो चीज़ें जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अभी कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, लाइक स्टडी पे फोकस नहीं और फाइनेंशियली चीज़ों पे फोकस नहीं और बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप फोकस नहीं कर पा रहे, अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस नहीं, वो चीज़ें क्यों हो रही हैं? वो चीज़ें इसलिए हो रही हैं इस वक्त क्योंकि ये है 9-9 पोर्टल, जो कि 8 के बाद आता है, और ये और वो दोनों कार्मिक से जुड़े हुए हैं। 8 पोर्टल कार्मिक बैगरिस को क्लियर और रिलीज करता है, प्रॉपर उनकी एनर्जी को समाप्त करता है, और जो 9-9 पोर्टल है वो कहीं ना कहीं जितने भी लूप पॉइंट रहे होते हैं डीएम के, उन पर काम करने पर ध्यान देता है, और कहीं ना कहीं उन लूप पॉइंट्स पर लाइट डालने का काम करता है। डीएम को वो चीज़ें दिखाई देती हैं अपने लूप पॉइंट्स पे, वो उनकी नज़र पड़ती है, वो कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं उस चीज़ पे उनकी नज़र पड़ती है, ठीक है। और यही डीएफ के साथ भी हो रही है चीज़ें, ये सेम चीज़ें मिरर हो रही हैं, बट कुछ डिफरेंट वे में यहाँ मिरर हो रही हैं, कि वो ये देख पा रहे हैं कि कार्मिक्स और इधर अपना डीएफ साइड, ये दोनों चीज़ों को वो देख रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि इधर से चीज़ें क्या सर्व हुई, इधर से चीज़ें क्या सर्व हुई। और उधर अगर डीएफ साइड की बोले तो वो ये देख रही हैं कि मैं मतलब डीएम साइड तो सारा कुछ सही कर रही हूँ, वो सारी चीज़ है, बैलेंस है, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, हीलिंग भी कर रही हूँ, बट फाइनेंशियली चीज़ों पे मैं फोकस कर रही हूँ, फोकस क्यों नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। कभी कभी पर्ज में आ जाती है वो इस चीज़ को सोच के कि मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, मैं फाइनेंशियली चीज़ों पे काम नहीं कर पा रही हूँ, वो चीज़ इस वक्त हो रही है। इस चीज़ को पहले क्लियरली समझ लो, ये 8-8 पोर्टल और 9-9 पोर्टल कुछ हैवी एनर्जी लिए हुए रहे हैं, जिसमें आपके हार्ट की हैवीनेस बनी रही है, ठीक है। बॉडी एक्स ने मतलब सारे पोर्टलों का ऐसा कह सकते हो कि इस बार मतलब कमी पूरी कर ली है सभी पोर्टल्स की, 8 और 9 पोर्टल ने, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और अच्छी हुई हैं यहाँ पे, साथ जो चीज़ें अच्छी हुई हैं वो ये हो रही हैं, क्योंकि डीएफ भी अपने लूप पॉइंट्स पे ध्यान दे पा रही हैं कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है, एक तो पोर्टल की चीज़ें चल रही हैं, साथ में बॉडी एक्स भी चल रहे हैं, उधर वो चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं, हीलिंग भी कर रही हैं, डीएम की खुद की हीलिंग भी कर रही हैं, साथ में श्राद्ध का समय भी चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और हार्ट की हैवीनेस जो है वो कहीं ना कहीं उनको एक पेन दिए रहती है, साथ में वो क्लैरिटी से नहीं देख पा रही हैं इस वक्त। उनका जो थर्ड आई है वो हील नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी, वापस से ब्लॉकेज क्रिएट कर चुके हैं वो, ठीक है, 8 और 9 पोर्टल के चलते। तो उन्हें अपने थर्ड आई को क्लैरिटी में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जिससे कि वो चीज़ों को साफ साफ और सही सही देख पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन अभी इस वक्त मुझे जो सबसे सही चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि एंजल्स नंबर्स जो हैं वो प्रॉपर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक 3, 6, 9, 6, 6, 6, 9, 3, 6, 6, 3, 9, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 6, 6, 9, 11, 11, ठीक है। मतलब और जितने ट्रिपल नंबर हैं, ट्रिपल नंबर्स में सबसे ज़्यादा एक तो आप 333, 222, 555, 777 इन नंबर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, 444 बहुत ज़्यादा। और एक वीडियो मैं प्रॉपर एंजल नंबर्स पे लेके आने वाली हूँ, सभी जो ट्रिपल नंबर्स होते हैं या 6, 9, 6, 6 या फिर 11, 11 जो मिरर नंबर होते हैं, उन पर भी एक मतलब कुछ वीडियोस लेके आऊँगी, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस बहुत रहते हैं कि दी ये नंबर दिख रहा है हमें, दी ये नंबर दिख रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे, आपको साथ के साथ उस चीज़ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में इस वक्त जो है आपके बॉडी एक्स, आपके जो 7 चक्रास हैं, उन 7 चक्रास में से रूट चक्रा जो है, ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट कर चुका है, क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट इस वजह से हुआ है, स्टक एनर्जी हुई है यहाँ पे, तो आपको हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, अपनी हीलिंग डेली हीलिंग रखिए, ठीक है। अगर इनर चाइल्ड हील नहीं है तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड भी आपको एक लूप पॉइंट दे जाता है, जिसकी वजह से आप
जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, सारे इश्यूज उसमें इनर चाइल्ड में शामिल हो जाते हैं। ईगो और मतलब नेगलेक्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं, इग्नोर करना, या फिर ईगो हो गया आपका, या फिर फियर हो गया आपका, या आपका ये कह सकते हो एग्रेशन हो गया, ठीक है, या फिर माफ़ ना करने वाली आदत हो गई, या ज़िद हो गई जो एक पाल लेते हैं हम। इस तरीके की जो आदतें हैं ना, वो हमारे कहीं ना कहीं हम बचपन से लेकर के आते हैं, तो उसको हील करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है और रीयूनियंस के करीब जा रहे हो, तो अपने इस इनर चाइल्ड को हील करके आगे बढ़ना, अदरवाइज ये रीयूनियन के बाद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्योंकि आप दोनों की रहेगी सेम वाइब, और अगर आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, तो आपके डीएम का इनर चाइल्ड भी हील नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर एक इनर चाइल्ड एक पर्सन का हील होता है, मान लीजिए मैंने तो ये भी बताया है कि डीएम का इनर चाइल्ड किस तरीके से हील करना है, बट अगर यहाँ पे दोनों का इनर चाइल्ड हील होता है, तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं और बैलेंस चलती हैं। क्योंकि पुराने इश्यूज़ को लेकर आप आज एक्शन में नहीं आते, आज आप एक्शन रिएक्शन की जो एक स्थिति बनती है उसमें नहीं आते। आपको चीज़ों की समझ होती है, आपको चीज़ें क्लियर होती हैं कि वो पास्ट था, आपने वहाँ से सिर्फ लेसन लिए हैं, उससे केवल सीखा है, उसको लेकर के आगे नहीं आए, उसके केवल लेसन से जो सीख मिली है वो आगे लेकर के आए हो। वहाँ जो सिचुएशंस क्रिएट हुई या जो पेनफुल कंडीशन थी, उसको लेकर के यहाँ पर वापस नहीं आए हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त आपको स्क्वायरल स्नैक, ठीक है, स्क्वायरल स्नैक, पैरट, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, ये नंबर, ये आपको थोड़े से इन्वायरमेंट से जो कह सकते हो एक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल सकती है। आउल की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप आउल अगर आपको दिख रहे हैं इस वक्त, तो बहुत बेस्ट एनर्जी है वो, ठीक है। साथ में जो पिकॉक मतलब मोर का जो पंख होता है, ठीक है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी में। कहीं ना कहीं आप इस वक्त एक चीज़ और कर रहे हो, आप यहाँ पे 3D अट्रैक्ट भी कर रहे हो। क्योंकि जब आप स्टक एनर्जी में आते हो ना, तो आप जो कंटिन्यूसली कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रहते हो, अपने 3D 3D से डिटैच रहते हो, और थर्ड आई पे और अपने सभी चक्रास पर कहीं ना कहीं हील रहते हो, ठीक है। जब वो चीज़ नहीं हो रही है, अभी आपकी थर्ड आई हील नहीं है, आपका रूट चक्र इस वक्त ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, सैक्रल पे पेन है क्योंकि श्राद्ध का समय चल रहा है, जो भी बाहरी ऊर्जा होती है, जो बाहरी एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं सैक्रल पे अटैक करती है डायरेक्ट। वो सैक्रल के जरिए ही आपसे कांटेक्ट करती है, लाइक आपसे कांटेक्ट करती है, मीन वो कहीं ना कहीं आपसे हील जब होगी, वो ऊर्जा जो कहीं ना कहीं शरीर के साथ नहीं है, अब केवल आत्मा के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं सैक्रल पे अटैक करती है डायरेक्ट। तो आपके पेन्स की एनर्जी इस वक्त बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आप 3D अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे 3D अट्रैक्ट कर रहे हो मीन आप चीज़ों को, या तो आप 3D को अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप 3D अट्रैक्ट जब आप कर रहे हो, तो आप उस इल्यूजन को पकड़ पा रहे हो कि यस, ये चीज़ 3D अट्रैक्ट कर रहा है आपको। आप चीज़ों में नहीं उलझेंगे, आप वापस से चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। साथ में मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, न्यू बिगनिंग में जितने भी DMDF हैं, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, क्योंकि DMDF जो है कलेक्टिव में, वो मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, प्रॉपर मिरर कर रहे हैं, परफेक्ट मिरर। लेकिन न्यू बिगनिंग में जो सिचुएशन बनी हुई है, वो कुछ अलग बनी हुई है। यहाँ पे दो सिचुएशन मैं अभी क्लियर क्लियर देख पा रही हूँ। एक तो वो सिचुएशन जहाँ DF बैलेंस है, ठीक है, इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक मन में खुशी है कि चलो, चीज़ें अब तक जैसी चल रही थी वैसी नहीं चलेंगी, कुछ चीज़ें बदलेंगी। हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, सभी स्टेजेस को अच्छे से हंस के पार कर रहे हैं, खुशी से, पेन्स भी हैं, सब चीज़ें, लेकिन सब चीज़ें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स को अब हमने चीज़ें सरेंडर की हुई हैं, ठीक है। और सरेंडर की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर भी मैं कभी बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि सरेंडर और एक क्षमादान, ये बहुत ज़रूरी है आपको इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए। और यही कहीं ना कहीं लूप बन जाते हैं कि आप सरेंडर में नहीं होते और आप फ्लो नहीं पकड़ पाते हो, फिर यूनिवर्स एंड कॉस्मिक एनर्जी एंड एंजल्स आपके साथ किस तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ जो फर्स्ट सिचुएशन है, वहाँ पे DF बैलेंस हैं, DM बैलेंस हैं, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है न्यू बिगनिंग में,
वो बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, टावर मोमेंट कैसा क्रिएट हुआ है? टावर मोमेंट उन सभी डीएफ्स के लिए, वैसे तो ये न्यू बिगनिंग में जो भी हैं, क्योंकि टावर मोमेंट जब क्रिएट होता है तो यहाँ पे कंडीशन अलग होती है। न्यू बिगनिंग में अगर आप बैलेंस हो तो एक्सेप्टेंस में जल्दी आ जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं हो तब आप चीज़ें कैसी होंगी आपके लिए बहुत पेनफुल रहेंगी। एक टावर क्रिएट होगा, एक टावर मोमेंट क्रिएट होगा जहाँ पर आप वापस से डाउन एनर्जी में जाओगे, एक पल के लिए वापस से डाउन एनर्जी में जाओगे, कि क्योंकि आपने बहुत कुछ प्लान कर लिया था और कहीं ना कहीं आप अपनी रियल एनर्जी को पहचानने में गलती कर गए हो। ये आपके अंदर गिल्ट भी क्रिएट हो रहा है इस वक्त, जो मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर पेन बहुत ज़्यादा है, आप चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद से क्वेश्चन कर रहे हो कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ हुई कैसे, ये गलती हुई कैसे आपसे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो भी हो रही है ना वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि ये चीज़, ये स्थिति बनाई भी इसलिए गई है यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ स्टक एनर्जी उन डीएम्स की है जिनकी जो डीएफ है वो टावर मूवमेंट फेस कर रही है, उन डीएम्स की, उनके डीएम जहाँ पे भी हैं सरफेस पे, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो लाइफ है अभी स्टक हो चुकी है कुछ टाइम के लिए, और वो स्टक एनर्जी फेस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, स्टक एनर्जी मीन आप समझ सकते हो वो ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ना तो वो कुछ अच्छा होते हुए देख रहे हैं ना बहुत बुरा होते हुए देख रहे हैं, वो ऐसी एनर्जी में है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी चल रही है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, वो बस ऐसा लग रहा है थम गई है और बस दिन बढ़ रहे हैं, दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो चीज़ हो रही है। तो जो भी डीएफ्स टावर मोमेंट फेस कर रही है, मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए जितना हो सकता है, पर्जिंग अगर फील हो रही है, आई नो, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ इस वक्त, मुझे प्रॉपर वो एनर्जी फील हो रही है इस वक्त कि जो डीएफ की टावर मोमेंट में जो स्थिति बनी हुई है वो कैसी स्थिति है। ऑब्वियस सी बात है वो पेनफुल तो है, क्योंकि आप प्रॉपर किसी पर्सन को लेकर के, यस वो आपकी एनर्जी है, क्योंकि उससे पहले भी कई गलतियाँ हुई होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं वापस से एक गलती दोहरा चुके हो, आपके अंदर ये चीज़ क्लियर हो रही है। बट गलती यहाँ इस वजह से भी हुई है क्योंकि आपका थर्ड आई ब्लॉकेज था यहाँ पे, ठीक है, जिस पे आपने काम नहीं किया, मेडिटेशन ऑन ऑफ रखी, क्योंकि कई बार क्या होता है, यस आपको ये प्रॉपर क्लियर हो गया कि आपकी डीएफ एनर्जी है या डीएम एनर्जी है, तो आप वापस से मेडिटेशन वगैरह सब छोड़ के एकदम मस्त हो जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो कि चलो ठीक है अब तो हम वापस से अपनी जर्नी में चल रहे हैं, हमारे डीएम आ चुके हैं, अब तो हमारा रियूनियन होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ये स्थिति क्यों बनी है, ये स्थिति क्यों लाई गई है, और यहाँ स्टक इसलिए किया गया है डीएम को, ताकि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डीएफ का पेन है वो मिरर ना हो, जैसे कि जो डीएफ का पेन उधर मिरर ना हो डीएम साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जो गलती हुई है वो डीएफ से हुई है, डीएम से नहीं हुई। ठीक है, अगर ये गलती यहाँ सुधारी ना जाती, यहाँ ये टावर मोमेंट ना आता, तो आप सोच सकते हैं चीज़ें कैसी होती, यहाँ चीज़ें ऐसी होती कि इधर भी चीज़ें मतलब गलत पैटर्न पे चलती रहती हैं, उसी रिपीट पैटर्न पे, ठीक है, फॉलो करते आप वापस से और वही लेसन्स लेते पेनफुल जो आगे चल के आपको मिलने ही थे, और आप पीछे कहीं ना कहीं ले ही चुके हो वो लेसन्स, बट आपने उन लेसन से नहीं सीखा, तो यहाँ चीज़ें आपने वापस से अट्रैक्ट किए, आपने कार्मिक्स को अट्रैक्ट किया है यहाँ पे, या डिस्टॉर्टेड एनर्जीज को अट्रैक्ट किया है, और ये सब कहीं ना कहीं जल्दबाजी की वजह से भी होता है। जल्दबाजी ऐसी कि आपको पता चला कि यस ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं और हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप क्या करते हो, फिर आप चीज़ों को देखना शुरू करते हो कहीं ना कहीं कि यस ये इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में अवेकनिंग आई, इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ ऐसी हो गई वैसी हो गई, और आप चीज़ों को कंटिन्यूसली फिर फॉलो करना शुरू कर देते हो और गलत एक बॉन्ड में आ जाते हो आप लोग, जबकि आपको क्लियर होना चाहिए जो आपकी अवेकनिंग होती है न्यू बिगनिंग में, अगर नहीं होती तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम से ही हुई है, आपके आपके ट्विन से मिलने के बाद ही हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डाउट्स रहते हैं, ठीक है,
आपको इंटरनली चीज़ें हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर डाउट रहते हैं, तभी आपके मन में कहीं आता है, आप बार बार चीज़ों को टैरोट में कहीं कहीं कभी किसी वीडियो से कभी कहीं ना कहीं चीज़ों को पूछना शुरू करती हैं, क्या वो मेरे रियल डीएम है, क्या वो मेरी रियल डीएफ है, आते हैं आपके मन में क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, इसीलिए आते हैं, कहीं ना कहीं आपको रियल चीज़ दिखाई जाने की कोशिश की जाती है जो कि आप नहीं देख पा रहे होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये टावर मोमेंट ज़रूरी था, अदरवाइज़ जो आपके डीएम थे वो भी अट्रैक्ट करते किसी कार्मिक एनर्जी को और उन्हें बेवजह वो लेसन्स लेने पड़ते हैं, जबकि डीएम ऐसी गड़बड़ कम करते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ कहीं ना कहीं डीएफ से होती है, क्योंकि डीएफ जो है शक्ति पार्ट है और उसे मेडिटेशन में आना होता है, उसे हीलिंग में आना होता है और अवेकनिंग में आना होता है सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट कर लेती है इस तरीके की एनर्जी। और ये चीज़ भी रहती है कि कहीं ना कहीं डीएफ डीएम जो होते हैं इस दुनिया में, डीएफ डीएम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारी एनर्जीज अपनी ओर, या वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी एनर्जीज को अपनी ओर, क्योंकि वो एक पावरफुल सोल्स होते हैं और जिसकी वजह से, वो एक प्योर सोल्स होने की वजह से, वो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं बाद में आकर के पेनफुल कंडीशन दे करके जाती हैं, वो चीज़ रहती है। अब आपकी थर्ड आई हील होगी या नहीं होगी, ये मेडिटेशन और हीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो, किस तरीके से हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि कई बार आप बहुत सारी चीज़ें करके भी कुछ नहीं कर रहे होते हो और आप कई बार कुछ नहीं करके भी बहुत सही चीज़ कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, ध्यान रखिए आप लोग अपना, ठीक है। मैंने बता दिया आपको करंट चैनलिंग, कलेक्टिव एनर्जी और न्यू बिगनिंग में जो ट्विन फ्लेम्स की स्थिति बनी हुई है उस पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, खूब खाइए, खूब पिए, ध्यान रखें, और कैसे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।